तो अब तक हमारे जो है बायोलॉजी में या बॉटनी में जो है जो कि चैप्टर है सेल का यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें लगभग आपके तीन लेक्चर हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर है जिसमें हमने अब तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ा, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल के, नहीं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के जो कुछ फीचर थे जिसमें हमें ये पता होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो डीएनए होता है वो बाहर साइटोप्लाज्म से इंटरेक्ट करता है। हमने अब तक प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा था? तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने ग्लाइकोकैलिक्स देखा था, सेल वॉल देखा था, सेल मेम्ब्रेन देखा था जिनको आपस में एक संग सेल एनवलप कहते हैं। सेल एनवलप के बाद हमने क्या पढ़ा था? तो हमने अब फ्लैजिला के बारे में पढ़ना था, फिर पिलाई के बारे में पढ़ना था, फिम्ब्रिए के बारे में पढ़ना था, और किसके बारे में पढ़ना था हमें? मीजोसोम के बारे में पढ़ना था, इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ना था, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना था, न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ना था, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में था। ये भी सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स से किसके पार्ट है? सेल एनवलप के पार्ट है। तो अभी तक हमारा बैक्टीरिया में सेल एनवलप ख़त्म नहीं हुआ, आज हम जब सेल मेम्ब्रेन कर लेंगे तो हमारा जो क्या कहते हैं सेल एनवलप ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बारे में आप सब जानते ही होंगे, मेरा नाम सूर्य डोराकोटी है और मैं जो है अभी फ़िलहाल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है और साथ में जो है बायोलॉजी में बॉटनी स्टार्ट कर रखी है। तो मेरे संग बने रहिए, लेक्चर में बनते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो लेक्चर में अब स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने टॉपिक लिख रखा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में पहला टॉपिक लिखा है कि ये बनी है मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब लिपिड बाइलेयर क्या होता है ना, आपने अभी पढ़ेंगे जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे या और चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है लिपिड बाइलेयर के बारे में बताया गया कि लिपिड की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि बाइलेयर की बनी होती है जिसमें लिपिड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? पोलर हेड होता है, यानी वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जो वाटर को लव करे, यानी वाटर लविंग, अट्रैक्ट वाटर, यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट तो जो है वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल का क्या मतलब होता है? ये वाटर रिपेलिंग होता है। वाटर रिपेलिंग क्या होता है? जो वाटर से घृणा करे, यानी वाटर को जो है दूर भगाए, अपने से दूर भगाने वाले को कहते हैं वाटर रिपेलिंग और अपनी तरफ लाने वाले को कहते हैं वाटर लविंग, जो कि वाटर अट्रैक्ट करता है। तो लिपिड बाइलेयर पार्ट में एक होता है पोलर हेड और एक होता है क्या हमारा हाइड्रोफिलिक टेल, जो कि पोजिशन में या नंबर में दो होती है। उसके बाद कह रहा सेल मेम्ब्रेन जो कि सिमिलर होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो सिमिलर क्या है, सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। जो दोनों ही सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, हम डिफरेंस भी बनाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में भले ही कितना डिफरेंट हो, बट सेल वॉल के बाद जो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, दोनों में क्या है, सिमिलर है। कैसे? स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। उसमें भी लिपिड की बाइलेयर होगी प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें एक पार्ट तो पोलर हेड की तरह काम करेगा, मतलब जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, और एक मतलब दो हाइड्रोफोबिक टेल होंगी जो वाटर को रिपेल करेंगी, और वाटर को अगर वो रिपेल करेंगी तो हाइड्रोफोबिक होंगी। तो आपको पता चल गया होगा कि सिमिलैरिटी अगर आपसे पूछ लें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो सिमिलैरिटी है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो है सिमिलर है, क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जब ये हम देखो ये वाला जो लिपिड की बाइलेयर बनी है इसमें एक तो पोलर हेड है और दो हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये दोनों देखो लिपिड की एक बाई लेयर चल रही है, एक लेयर ये चल रही है ऐसे और एक लेयर ये चल रही है। तो जब ये दो लेयर चल रही है तो इसके ऊपर वाला पार्ट तो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये नीचे वाला पार्ट वाटर को जो है बाहर कर रहा है। वाटर इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ऐसा नहीं कि सीधा पानी उठा के डाल दो, तो साइटोप्लाज्म इसमें वाटर होगा। अब एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपने जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ सुना है? एक के योग के बाद वो जो उससे बनती है, एक से बनती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी का मतलब होता है हाफ और परमिएबल का मतलब होता है
परमीट करना यानी जाने देना, यानी हाफ चीज़ों के लिए परमिएबल होना, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट को तो जाने देगी या कुछ सॉल्यूट को भी जाने देगी पर सबको नहीं जाने देगी, इसका मतलब वो क्या है सेमी। और सिलेक्टिव क्या है कि कुछ को ही जाने देगी। मान लो सिलेक्टिव से क्या नेचर है कि सिलेक्टिव क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे हम और आप हैं तो हम में से और आप में से सिलेक्शन किसका बेटर होगा ये पूछा जा सकता है। जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे हो सकता है, आपने पढ़ाई की, आपने नोट्स बनाए, आपने उसको रिवाइज किया, उसके बेस पे हो सकता है। तो सिलेक्टिव क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बोल रहा है सिलेक्टिव इन नेचर होता है, मतलब जिसके चैनल प्रेजेंट होंगे। मान लो सोडियम का चैनल है तो सोडियम ही जाएगा, पोटेशियम का चैनल है तो पोटेशियम ही जाएगा। ऐसा नहीं कि सोडियम के चैनल से पोटेशियम जा रहा है या पोटेशियम के चैनल से कुछ भी क्लोरीन जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चैनल होंगे उनको ही जाने दिया जाएगा, यानी उनको परमिट किया जाएगा। इसीलिए बोला है कि एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, इसको ध्यान से नोट करना कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। उसका जो नेचर है वो कैसा है, सिलेक्टिव परमिएबल है एंड इंटरैक्ट करती है विद आउटसाइड वर्ल्ड। वर्ल्ड से क्या मतलब, आउटसाइड वर्ल्ड से क्या मतलब है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उससे जो है उसका इंटरेक्शन होता है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड कहलाता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट, जो कि ये जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये यूकैरियोट से सिमिलर है। मैंने बता दिया है आपको सेल वो मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली किसके सिमिलर है, दोनों में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो हमने जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब मेरे नोट्स आप देख सकते हैं कि इस तरह से बने हुए हैं, आपको भी जो है इसी तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, आपको डायग्राम के बेस पे अपने नोट्स बनाने हैं और उसको जो है अपने लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि ग्लाइकोकैलिक्स की जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये वाला पार्ट है ये थिक और थिन के बीच में डिफरेंस दिखाया है। ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था ये स्ट्रक्चर किसका था, ये स्ट्रक्चर था सर हमारा बैक्टीरिया का, जिसमें हमने ये पार्ट्स देखे थे। आपको ये पार्ट्स याद होने चाहिए और उसके बाद आप इस स्ट्रक्चर के जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसको भी याद करें। तो अब देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, क्या है कि हमने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यानी सेल एनवेलप का पार्ट खत्म कर लिया। तो आप सेल एनवेलप तो रिवाइज करें, फिर फ्लैजिला पढ़ते हैं। तो फ्लैजिला उसमें चौथा पार्ट था, मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला मिलकर किससे बना होता है। फ्लैजिला के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा क्या, बेसल बॉडी और हुक और फिलामेंट। यहाँ पे हमने फ्लैजिला की बात की है, अभी फ्लैजिला होता क्या है उसके बारे में पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट है कि फ्लैजिला जो है एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है फॉर मोटैलिटी। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे के रूप का स्ट्रक्चर होता है, ये किसके काम आता है, ये आता है मोटैलिटी के, मतलब आगे बढ़ाने के काम आता है। जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे आगे बढ़ता है, सर मोटैलिटी करता है। मोटैलिटी क्या हुआ, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। उसमें जो फ्लैजिला होता है वो आगे बढ़ाता है उसको, मतलब जैसे जैसे फ्लैजिला मूव करता है वो आगे बढ़ता है। स्पर्म में भी फ्लैजिला होता है, तो स्पर्म कैसे मूव करता है ऐसे, मतलब उसमें फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है और भी प्रोटीन होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो सेल है वो मोटाइल होता है। सेल मोटाइल का क्या मतलब है, सेल मूव कर सकता है। मोटिलिटी क्यों प्रेजेंट होगी, क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर सेल में फ्लैजिला होगा तो वो उसको मोटैलिटी देगा और वो उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सेल इज नॉन मोटाइल। अगर सेल हमारा नॉन मोटाइल है यानी वो चल नहीं पा रहा है यानी मूव नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें फ्लैजिला जो है एब्सेंट होगा। अब देखो हम फ्लैजिला के पार्ट्स पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया के केस में। तो फ्लैजिला के जो पार्ट होते हैं उसमें एक होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक और एक होता है हमारा फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, हुक उसके ऊपर जो है सपोर्टिव पार्ट होता है, और जो बेसल बॉडी होता है वो क्या करती है, अटैच होती है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। यानी ये देखो, ये मान लो ये मार्कर कैसे बना है, ये मार्कर में क्या है हमारा, ये है बेसल बॉडी, इसके अंदर ये वाला हिस्सा हुक फिट हुआ, और ये जो अगर तिरछा होता तो आपको क्या दिखता, फिलामेंट। तो क्या है, देखो मार्कर से समझो, बेसल बॉडी, इसके अंदर ये हुक फिट हुआ, और ये अगर थ्रेड लाइक होता तो ये क्या होता, फिलामेंट होता। तो फिलामेंट आपको देख के पता चल रहा होगा ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, और बेसल बॉडी किससे अटैच है, अंदर सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है कि बेसल बॉडी अटैच विद सेल मेम्ब्रेन और फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट है,
हुक इसमें होता ही है। और क्या कह रहा है कि ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन, इसमें बेसल बॉडी भी और हुक भी और फिलामेंट भी किससे मिलकर बनता है, सर फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि बैक्टीरिया में जो मूविंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो मूविंग स्ट्रक्चर होता है सर हमारा फ्लैजिला। ये एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर सेल मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, अगर सेल इनमोटाइल है यानी मूव नहीं कर सकता तो इसका मतलब उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। फ्लैजिला के तीन पार्ट पड़े, बेसल बॉडी पड़ा, हुक पड़ा, फिलामेंट पड़ा। बेसल बॉडी अटैच है सेल मेम्ब्रेन से, हुक उसके अंदर फिट होता है, और क्या होता है जो हमारा लास्ट पार्ट होता है फिलामेंट, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जो हमारे तीनों बेसल बॉडी, हुक और फ्लैजिला आर मेड अप, या फिलामेंट आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब कुछ डिफरेंस भी होते हैं और कुछ सिमिलैरिटी भी होती है कि इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में। तो बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में जो कि बैक्टीरिया का है। तो यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला का प्रोटीन होती है वो मेड अप होती है ट्यूबुलिन से। अब ये ट्यूबुलिन क्या होती है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, उसमें हम पढ़ेंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होती है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का मिलता है और ये किसका मिलता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और जो इसके पार्ट होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट मिस होता है। एक तो इसमें फिलामेंट होता है जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और बेसल बॉडी होती है। इसमें जो ये वाला हिस्सा है ना हुक, ये हुक नहीं होता है। जो दूसरा वाला पॉइंट है जिसमें बैक्टीरिया को बारे में बताया है, बैक्टीरिया में कह रहा है इसके तीन पार्ट है, एक तो हमारा बेसल बॉडी, दूसरा हमारा हुक, और तीसरा हमारा फिलामेंट, जो कि तीन पार्ट से मिलकर बना है। जो किसका मतलब फ्लैजिला है, वो है सर वो प्रोकैरियोट का, जो कि बैक्टीरिया एग्जांपल है। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों के फंक्शन सेम है, मतलब चाहे स्ट्रक्चरली वो कितने भी डिफरेंट हो जाएं पर उनका फंक्शन सेम है। क्या फंक्शन सेम है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेम थी क्या स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली भी। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, पर फंक्शन दोनों का सेम है, क्या है, मोटिलिटी। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, उनके जो फ्लैजिला में जो कॉमन फीचर देखने को मिल रहा है वो क्या है, सिमिलर है, कैसे, फंक्शनली नॉट स्ट्रक्चरली। तो आपको यहाँ तक आ गया होगा, इसको रिवाइज करो और इसको नोट करो। मैं पांच गिनती गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ फ्लैजिला पोजीशन, जो कि अरेंजमेंट है। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, बस इसको जो है समझ लो। पहला बोला है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक और ट्राइकस मतलब होता है फ्लैजिला। तो एक फ्लैजिला अगर जिसमें मिलेगा वो मोनोट्राइकस है। फिर है एम्फी ट्राइकस, यानी दो फ्लैजिला। आपने एम्फी वर्ड सुना होगा, जैसे एम्फीबियन पढ़ा होगा, उसमें दोनों के गुण होते हैं वाटर और क्या कहते हैं बाहर लैंड में रहने के। तो अब जब हमने ये देख रहे हैं तो एम्फी मतलब होता है दो, यानी दो जगह पे, और ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला अगर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एम्फी ट्राइकस। अब आया लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस ना बंच के रूप में निकलते हैं और बोथ साइड, और कह रहा है जो लोफोट्राइकस होता है, लोफो मतलब होता है बंच, और ट्राइकस फ्लैजिला, बोथ साइड पे जो है फ्लैजिला वो किसकी तरह बंच में निकलते हैं। इसका एग्जांपल है स्पिरिलियम, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना है विब्रियो के बाद। उसके बाद जो है सिफेलोट्राइकस क्या होता है। सिफेलोट्राइकस में सिफेलोपोडा सुना होगा, जिसमें सिफेलो वाला पार्ट होता है वो हेड होता है, और ट्राइकस होता है फ्लैजिला। तो उसके हेड वाले पार्ट में जो है हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, सिफेलोट्राइकस। उसके बाद जो आपने कई जगहों पे पड़ा होगा, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो ई कोलाई यूज होता है। ई कोलाई की फुल फॉर्म होती है स्टीरिचिया कोलाई। ये जो स्टीरिचिया कोलाई होता है ये पेरीट्राइकस टाइप का होता है। अब सर पेरीट्राइकस क्या होता है, पेरीफेरी यानी चारों ओर, यानी पेरीफेरी में, मैं कहते नहीं ये मेरे पेरीफेरी में, मेरे अंडर में आता है। तो पेरी मतलब अगर चारों ओर से फ्लैजिला निकले, यानी सब जगह से फ्लैजिला, जहां से भी आप देखो, तो वो होता है हमारा एग्जाम्पल स्टीरिचिया कोलाई। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद जो हमारी एनसीईआरटी में एक अलग से दे रखा है कि ए ट्राइकस जिसमें नो फ्लैजिला, यानी ए ट्राइकस में जो है फ्लैजिला ही नहीं होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके यहाँ लिख रखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये साइनोबैक्टीरिया होता है, कोकस होता है, विब्रियो होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप नोट करो
और याद करो, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 5। तो बोर्ड पे हम नया टॉपिक आ चुका है, हम बैक्टीरिया के बारे में जैसे जैसे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें बैक्टीरिया के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है कि बैक्टीरिया के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया। तो हमने सर वो ख़त्म कर लिया, पहले तो हमने उसका सेल एनवेलप ख़त्म किया जिसमें हमने एक लाइकोकैलिक्स पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, हमने मतलब सेल वॉल के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन चाहे वो प्रोकैरियोट हो और यूकैरियोट में सिमिलैरिटी क्या देखने को मिलती है सर, वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम होती है। फिर हमने जो है क्या पढ़ा, फ्लैजिला के बारे में पढ़ा कि फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया और यूकैरियोट के सेल दोनों में जो है मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटेंशन होती है जो कि मूव कराने में मदद करता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो डिफरेंस देखने को मिला कि यूकैरियोट्स में जो है फ्लैजिला के दो पार्ट थे, वेसल बॉडी और फ्लामेंट, और प्रोकैरियोट्स में क्या था कि उसके तीन पार्ट थे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट था, दोनों में क्या सिमिलर था, फंक्शन तो सेम था जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता था, पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट थे। फिर हमने जो है अब स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, पिलाई के बारे में, और एक होता है फिम्ब्रिए, ये नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ सिक्स। तो पिलाई में हमने देखने को पढ़ेंगे, जब हम पिलाई के बारे में पढ़ेंगे तो पिलाई क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर की ओर निकला होता है, जिसको हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ट्यूबुलर है और मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। पिलीन भी एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिससे जो है पिलाई मिलकर बनती है। तो आपसे पूछा जाए पिलाई किससे मिलकर बनती है, तो सर पिलीन प्रोटीन से मिलकर बनती है। इसका काम क्या होता है, तो इसका जो सम रोल होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो पिलाई होता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। अब किस तरह से काम आता है तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसमें पिलाई दिखाई गई है, उसके पास पिलाई है और दूसरे बैक्टीरिया के पास कोई भी पिलाई नहीं है। पहले बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोइड है और क्या है सर, साथ में प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। एक तो मेन डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियोइड होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो सब न्यूक्लियोइड के अंदर छिपी रहती है। तो ऐसा नहीं जिसमें प्लाज्मिड होगा वो बैक्टीरिया पूर्ण होगा, जिसमें प्लाज्मिड नहीं होगा वो बिल्कुल अधूरा होगा, ऐसा नहीं होता है। ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, बट जो उसमें प्लाज्मिड वाला पार्ट आता है वो उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो ड्रग रेजिस्टेंस बन सकता है। टीआई प्लाज्मिड आपने नाम सुने होंगे, तो एक बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड का दूसरे प्लाज्मिड में ना एक दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन मान लिया जाता है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो पिलाई होता है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है, जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के समीप आते हैं, पास आते हैं, तो ये पिलाई आगे बढ़कर क्या बनाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है, जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से एक जो प्लाज्मिड है वो दूसरे बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पिलाई का अगर आपसे रोल पूछा जाए ये किसमें रोल काम आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। फिर जो अगला पार्ट है इसका फिम्ब्रिए। सर फिम्ब्रिए का क्या काम होता है, फिम्ब्रिए आपने बहुत कई जगह पर पढ़ा होगा कि फीमेल के यूटेराइन कैविटी में भी जो है क्या कहते हैं फिम्ब्रिए देखने को मिलते हैं। फिम्ब्रिए का काम वैसे मोटिलिटी तो नहीं होता है, पर ये मूव करा देते हैं पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से तक, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो फिम्ब्रिए क्या होते हैं, तो फिम्ब्रिए सर हमारा क्या हुआ कि ये शेप जो होता है इसका ब्रिसल लाइक होता है। ब्रिसल क्या हुआ, ब्रुश जैसा होता है, आपने ब्रुश देखा होगा उसमें ब्रिसल्स होते हैं, तो कहते नहीं है कि ये इसके क्रिस क्रॉस ब्रिसल हैं, या किसी के एड आपने देखे होंगे। तो ब्रिसल्स क्या होता है, एक ब्रश में जो ऊपर की तरफ लगा होता है ये झालर टाइप के, वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्प्राउटिंग होते हैं ऑफ दिस सेल मोर इन नंबर होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पिलाई का नंबर ज़्यादा होता है या फिम्ब्रिए का नंबर ज़्यादा होता है, तो आपको याद रखना है फिम्ब्रिए का नंबर ज़्यादा होता है, ये ब्रिसल लाइक होते हैं और स्प्राउट करते हैं, मतलब फैले होते हैं सेल में। फिर जो है इसका काम क्या होता है, तो ये अटैचमेंट का काम करते हैं, किसी रॉक में देख सकते हैं रॉक में अटैच हो गए इससे, और क्या कर रहा है किसी होस्ट सेल में जो है बैक्टीरिया अटैच हो सकता है इसकी हेल्प से, तो ये फिम्ब्रिए होता है। तो अब आपको मैं कुछ बता दूं कि फ्लैजिला,
पिलाई और फिमरी मिलकर सरफेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लाइकोकैरिक सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन मिलकर क्या बना रहे थे सर, मिलकर बना रहे थे वो क्या, याद करो, सेल एनवलप बना रहे थे। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लैजिला पिलाई और फिमरी, ये मिलकर बनाते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। तो हमने बैक्टीरिया में क्या क्या कवर कर लिया सर, हमने बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में हमने क्या क्या कवर लिया, हमने ग्लाइकोकैरिक्स पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, तीनों सेल मतलब सेल एनवलप के पार्ट है। फिर हमने फ्लैजिला पढ़ा, उसके बाद फिर हमने पिलाई पढ़ा और अब फिमरी पढ़ लिए। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए सर, 4, 2, 6। तो बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। फिर हम मीजोसोम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इस वीडियो को बंद करते हैं और इतना ही पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। नोट कर लेना।